हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास सेवेंथ का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक हम स्टैंडर्ड सिक्स में भी पढ़ चुके हैं और हमें ये भी पता है कि फाइबर यानी कि अलग अलग प्रकार के धागे होते हैं और फैब्रिक मतलब उनसे बनने वाले कपड़े। फैब्रिक भी दो तरह के होते हैं, नेचुरल फैब्रिक होते हैं यानी कि जो नेचुरल मटेरियल से बने हों, जैसे कॉटन के कपड़े हो गए हैं, फिर जूट के बैग्स हो गए हैं, और इसी तरह से होते हैं दूसरे आर्टिफिशियल फैब्रिक्स जो हो गए हमारे नायलॉन के, रेयॉन के। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हम थोड़ी बहुत जानते हैं। इस चैप्टर में हम लोग वो प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। तो वूल कहाँ से आता है, कौन कौन से शीप्स होती हैं या याक होते हैं जिनसे हम ये वूल लेते हैं, या कौन सा वूल जो होता है वो बेस्ट होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। आज सबसे पहले इस पार्ट में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, डेफिनेशंस बताने वाली हूँ जो इस चैप्टर में हमारे बहुत ही काम आएंगे। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले है कुकून। तो कुकून बच्चों, कुकून जो होता है वो कीड़ा, जो सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क का कीड़ा होता है, वो उसकी स्टेजेस में ये लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, मतलब अलग अलग स्टेज है। जैसे हम जब छोटे होते हैं तो हमें बेबी कहा जाता है, हम थोड़े बड़े होते हैं टीनेजर होते हैं, फिर 18 ईयर्स से अबव हो जाते हैं तो एडल्ट हो जाते हैं, उसके बाद जब हम और ज़्यादा अबव 60 हो जाते हैं तो हम सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। तो जैसे हमारी लाइफ साइकिल की ये स्टेज होती है, उसी तरह से सिल्क वॉर्म की ये लाइफ साइकिल की स्टेज होती है। तो कुकून जो होता है वो क्या करता है, सिल्क का कीड़ा, उसके मुंह में जो एंजाइम होते हैं, जैसे हमारे मुंह में क्या होता है, सलाइवा होता है ना, जो हम खाना अच्छे से लिक्विड बनाने के लिए, उसको मिक्स करने के लिए जो हम हमारे मुंह में सलाइवा होता है, वैसे ही कुकून के मुंह में भी जो उसका एंजाइम होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो वो क्या करता है, अपने इस एंजाइम को मुंह से निकाल के खुद के इर्द गिर्द जो है वो बिल्कुल अच्छे से लपेट लेता है। और ये कोकून कहाँ पाया जाता है, तो ये जो होता है मलबरी ट्रीज पे पाया जाता है, मलबरी ट्रीज के पत्तों को ही ये खाता है। तो कोकून जो होता है, द फाइबर कवर स्पन बाय द सिल्क लार्वा अराउंड इट्स बॉडी ऑन चेंजिंग इनटू प्यूपा स्टेज। तो कोकून हम उस सिल्क वॉर्म को तब कहते हैं जब वो अपने पूरे बॉडी के ऊपर क्या करता है, अपने ही मुंह से निकले हुए एंजाइम को, प्रोटीन को लपेट लेता है। इसके बाद है स्टूडेंट्स फ्लीस। तो फ्लीस क्या होता है, जो हमारी शीप्स होती हैं, याक होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनके ऊपर से जो सारे के सारे इनके बालों को निकाल लेते हैं, इन बालों को हम फ्लीस कहते हैं। द हेयर ऑन द स्किन ऑफ शीप, याक एक्सेट्रा फ्रॉम विच वूल कैन बी ऑब्टेन। और इसी फ्लीस से हम आगे चलकर क्या बनाते हैं, वूल बनाते हैं। फिर आगे रीलिंग। तो स्टूडेंट्स, उत्तरायण पे पतंग उड़ाने का बड़ा शौक होगा सभी को, तो हमें पता है कि हमारे हाथ में चरखी होती है, चरखी को हम क्या करते हैं, ऐसे कंटिन्यूअसली लपेटते रहते हैं ना, उसमें जो डोरी होती है, तो एग्जैक्टली उसी तरह से हम क्या करते हैं, रील बनाते हैं। रील का मतलब उसके इर्द गिर्द हम उसको पूरा धागे से भर देते हैं। तो रीलिंग मतलब ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम द सिल्क कोकून ऑन अ रील। हम वो सिल्क कोकून के को गर्म पानी में डाल देते हैं, उसके बाद में से उसकी बॉडी से धीरे धीरे बड़ी सावधानी के साथ में वो जो सिल्क पूरा उसने बनाया, लपेटा होता है अपनी बॉडी पे, उसको क्या कर लेते हैं, रील के अंदर भर लेते हैं। फिर आता है स्कॉरिंग। स्कॉरिंग जो है ये प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग यॉक एंड सुइंट फ्रॉम रॉ वूल विद सोप और डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट की बात आ गई, मतलब हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो जो हमारा वूल होता है, रॉ वूल मतलब कच्चा वूल, जो हमने फ्लीस में से हमें वूल मिला है, तो स्टूडेंट्स यॉक जो होता है ये होता है हमारा द ऑयली सब्सटेंस, जिसको हम लेनोलिन भी कहते हैं, फाउंड ऑन रॉ वूल। हमारे जो जानवर होते हैं उनकी बॉडी पे भी उनको पसीना आता है, तो ये सारा पसीना क्या होता है, उनके बालों में जाकर चिपक जाता है, जो बहुत गंदा होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं।
उसी तरह से है सुइंट। ये देखिए ये ऑयली सब्सटेंस जो जो चिपका होता है एग्जैक्टली उसी तरह से सुइंट जो होता है वो भी क्या होता है, परस्पिरेशन यानी कि पसीना। जो शिप्स की बॉडी के ऊपर से जो भी पसीना निकलता है वो जाकर उनके बालों में चिपक जाता है, उन बालों को हम फ्लीस कहते हैं। इस फ्लीस को जब हम हटा देते हैं फिर हम उसको क्या करते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं, साफ करते हैं। तो जो साफ करने की प्रोसेस होती है उसी को हम स्कॉरिंग कहते हैं। इसकी बात है स्टूडेंट सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर का मतलब होता है सेरिकल्चर, आप तुरंत समझ जाइए वर्ड, जैसे होता है एग्रीकल्चर। एग्री मतलब हम फसल खेतों की प्लांट प्रोडक्ट्स का कुछ एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो वैसे ही सेरिकल्चर जो होता है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी साइंस है, द साइंस ऑफ रेजिंग सिल्क वॉर्म्स सो एज टू ऑब्टेन सिल्क कोकून्स। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसकी मदद से हम बड़े ध्यान से सिल्क के कीड़ों को मतलब एक से दो, दो से तीन ऐसे मतलब उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, उनको रखते हैं, इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सिल्क के कीड़े पैदा हों, उनको अच्छे मलबरी लीव्स खाने को मिले और वो ज्यादा से ज्यादा सिल्क प्रोड्यूस करें। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरिकल्चर। इसके बाद है शियरिंग। तो स्टूडेंट्स ये जो फ्लीस होता है यानी बाल शीप्स के याक की बॉडी के ऊपर, ये जो फ्लीस होता है इसको उनकी बॉडी से निकालने की जो प्रोसेस होती है, जैसे कि अभी सबके घर पे ट्रीमर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रीमर्स, शेव करने के लिए यूज करते हैं ना इलेक्ट्रिकल ट्रीमर्स, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से शीप्स और इनकी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं वो उस तरह के ट्रीमर्स होते हैं, जो मशीन्स होती है उनसे उनकी बॉडी से फ्लीस रिमूव कर देते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती है उसे हम शियरिंग कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द शीप। इसके बाद में है शॉदी, द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम द यूज्ड वूल बाय कार्डिंग स्पिनिंग एंड वीविंग। शॉडी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब हम यूज्ड वूल, जो वूल हमने यूज कर चुके हैं उसी से वापस से हम धागे बना बना के उससे हम वीव कर करके कुछ वूलन क्लोथ या फिर कोई नए वूल के आइटम बना रहे हैं। इसके बाद है स्टूडेंट सिल्क वॉर्म। आपको पता ही है सिल्क वॉर्म मतलब सिल्क जिससे हमें मिलता है वो कीड़ा, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। तो ये जो होता है कैटरपिलर यानी जैसे कि हमारी बटरफ्लाई होती है, तो बटरफ्लाई की छोटी सी होती है, फिर धीरे धीरे उसके पंख निकल के आते हैं, तो ये पूरी लाइफ साइकिल है उसकी जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक कैटरपिलर है जो हैच यानी अपने अंडे में से बाहर निकलती है। किसके अंडे में से निकलेगी, तो ऑब्वियसली सिल्क मॉथ के अंडे में से निकलेगी यानी सिल्क के कीड़े में से निकलेगी। अ कैटरपिलर व्हिच हैचेस फ्रॉम द एग्स ऑफ अ सिल्क मॉथ। इसके बाद है स्टूडेंट सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सॉर्ट करना मतलब अलग अलग कर देना, सुलझा देना, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वूल एंड हेयर फ्रॉम फ्लीस। अब हमने फ्लीस निकाल लिया, शियरिंग प्रोसेस से निकाल लिया फ्लीस माने बाल, उनको निकालने की जो प्रोसेस होती है वो थी शियरिंग। अब शियरिंग करने के बाद में हमने उसमें से जो गंदगी थी यॉक और सुनिट उसको क्या कर लिया, वॉश कर दिया डिटर्जेंट से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्कॉरिंग। अब स्कोरिंग करने के बाद जैसे हम सबके देखो एक फैमिली एक घर में ही अगर हम देखें भाई बहन मम्मी पापा सबके बालों का कलर शायद अलग हो सकता है, किसी के जो बाल हैं वो बहुत हार्ड होंगे, किसी के बड़े सॉफ्ट होंगे, तो ये अलग अलग कलर टेक्सचर और ये सबको हम कैसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो वैसे ही सॉर्टिंग का मतलब होता है कि जो फ्लीस हमने निकाला है इससे धोने के बाद में हम देख लेते हैं कि कौन से कलर के जो अलग अलग कलर के हैं उनको हम अलग अलग कर देते हैं, इसी को हम बोलते हैं सॉर्टिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वूल एंड हेयर फ्रॉम फ्लीस। इसके बाद आ गया स्टूडेंट सिल्क। तो सिल्क क्या होता है, सिल्क वॉर्म के मुंह से निकला हुआ एंजाइम से बनने वाला एक रेशा या फिर हम कह सकते हैं धागा फाइबर। तो इसको अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में ढंग से समझे तो क्या होता है, अ ट्राइंगुलर प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन का बना होता है जो उसके मुंह से ये जो एंजाइम निकलता है ये प्रोटीन का होता है। हैविंग ट्राइंगुलर प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर मतलब इस तरह का होता है कि अगर सनलाइट या कोई भी लाइट उसके ऊपर पड़े तो वो कैसा बहुत चमकता है, ठीक है, ग्लो करता है, शाइन करता है। स्पन बाय मलबरी सिल्क लार्वा अराउंड इट्स बॉडी वाइल चेंजिंग इनटू प्यूपा स्टेज।
तो ये जब प्यूपा में कन्वर्ट होता है, प्यूपा स्टेज में जब ये आता है तो अपने मुंह से ये एंजाइम निकाल के खुद की बॉडी पे लपेट लेता है, तो इसको हम बोलते हैं, उस एंजाइम को, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं सिल्क। फिर आगे हमारा सोइंट, ठीक है, क्या होता है, ड्राइड परस्पिरेशन, मतलब ये जो सूखा पसीना शिप्स की बॉडी के ऊपर जो चिपक जाता है उसको हम स्विंट कहते हैं। अब आगे स्टूडेंट्स थ्रोइंग, थ्रोइंग क्या होता है, क्या करते हैं ना, ये धागों को लेते हैं, कॉम्ब जैसा होता है, कॉम्ब जैसे हम अपने बालों को सुलझाने के लिए कॉम्ब यूज करते हैं। कॉम्ब यूज करने से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे बालों में जितनी भी उलझने होती है वो सारी की सारी सुलझ जाती है। तो ये जो बड़े धागे होते हैं इनको कॉम्ब जैसी बड़ी बड़ी मशीन्स होती है और इनके ऊपर फेंका जाता है, फिर खींचा जाता है, फिर फेंका जाता है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो जितने भी फ्लीस के बने हुए, अब जो वूल के बने हुए जो धागे हैं वो कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, सुलझ जाएंगे। तो थ्रोइंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग वन और मोर सिल्क थ्रेड्स टू मेक सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग सिल्क स्ट्रैंड्स फिट फॉर वीविंग और निटिंग। तो इस तरह से इनको फेंका जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, साथ में गूंधा जाता है ताकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत सिल्क के धागे बना दे, जिससे आगे जाके वीविंग में, यानी इनसे कुछ नया बनाने में मदद मिल सके। योक जो होता है ये ऑयली सब्सटेंस होता है जो हमें रॉ वूल के ऊपर से मिलता है। अब ये जो मैंने यहाँ पे तीन स्पेशल पॉइंट्स लिखे हैं कि सिल्क के बारे में कैसे पता चला, तो जो सिल्क जो था, सिल्क वॉज डिस्कवर्ड बाय सी लूंगची द ब्राइड ऑफ चाइनीज एम्परर हुआंग टी 3000 BC में जो चाइनीज एम्परर थे हुआंग टी, उनकी ब्राइड, उनकी दुल्हन ने सिल्क को डिस्कवर किया था। डिस्कवर और इन्वेंशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डिस्कवर करना मतलब स्टूडेंट्स कोई भी चीज जो है हमारे वर्ल्ड के अंदर पहले से प्रेजेंट है लेकिन उसका यूज क्या है ये ढूंढ लेना, तो इसे हम डिस्कवरी कहते हैं। और इन्वेंशन मतलब किसी चीज की हमें जरूरत है अपने काम में और वो चीज अगर हम बना देते हैं तो उसे इन्वेंशन कहते हैं। तो सिल्क पहले से था, ये जो ब्राइड थी सी लूंगची, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल है, सबसे ज्यादा वूल जो है ऑस्ट्रेलिया से मिलता है। फिर है मरीनो वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम मरीनो शिप इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल। मरीनो शिप जो होती है इसका जो वूल होता है ये फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल होता है। तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से इन पॉइंट्स को कॉपी कर लीजिए। अब देख लेते हैं बच्चों की वूल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो स्टूडेंट्स वूल जो होता है वो एक एनिमल फाइबर है जो सिर्फ हमें एनिमल बॉडी के ऊपर से मिलता है। वूल इज द कॉमन नेम ऑफ अप्लाइड सॉफ्ट कर्ली फाइबर्स ऑब्टेन मेनली फ्रॉम द फ्लीस ऑफ डोमेस्टिकेटेड शिप। वूल जो होता है वो हम लोग शिप्स की, गोट्स की, इन सब की बॉडी के ऊपर से निकालते हैं और ये जो होते हैं ज्यादातर हम डोमेस्टिकेटेड यानी कि पालतू भेड़े जो होती है उनके ऊपर से निकालते हैं, ऐसी सड़क पे चलती किसी भी भेड़ के ऊपर से नहीं निकालते, ठीक है। अदर देन शीप, मतलब और भी शीप्स के अलावा और कहाँ कहाँ से हमें ये मिल सकता है फ्लीस, तो देखते हैं हम याक के ऊपर से ले सकते हैं। याक्स जो होते हैं ज्यादातर तिब्बत में, लद्दाख में रियर्ड, मतलब पाले जाते हैं वूल को ऑब्टेन करने के लिए। इसके बाद है अंगोरा गोट्स एंड शीप्स, ये अंगोरा गोट्स एंड शीप्स जो होती है एक जाति होती है शीप्स और गोट्स की और ये कश्मीर में पाई जाती है। इसके बाद कैमल्स जो होते हैं वो राजस्थान में पाले जाते हैं ताकि उनसे हम ये वूल ले सकें। उसके बाद है लैमा, अल्पैका और वेकुना, ये जो है ये जो गोट्स होते हैं ये जो हम साउथ अमेरिका में इनको पाला जाता है। फिर है अंगोरा रैबिट्स, अंगोरा रैबिट्स भी कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं जिनके ऊपर का फ्लीस उतार के हम क्या बनाते हैं वूल बनाते हैं। वूल की प्रॉपर्टीज क्या होती है स्टूडेंट्स, वूल को हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसमें ऐसी क्या खास बात है जो हमें देखने को मिलती है, तो उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी हम लोग हर साल में हर महीने में शायद एक आध बार कपड़े खरीद लेते हैं लेकिन हम स्वेटर्स और ये ऐसे नहीं खरीदते। स्वेटर्स वगैरह जो होते हैं 3-4 साल 5 साल, कभी कभी तो कुछ लोग 10-10 15-15 साल पुराने स्वेटर्स भी पहनते हैं, तो उनकी इतनी अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, क्षमता होती है, ताकत होती है कि वो साल दर साल भी चल सकते हैं, वो इजिली फटते नहीं है, खराब नहीं होते और उनकी इलास्टिसिटी भी
अच्छी होती है। इसके बाद में इट इज लाइट वेट एंड कैन बी इजिली डाइड। और ये वूलन क्लोथ्स जो होते हैं बड़े लाइट वेट होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं, और इनको हम डाइड, यहाँ पे डाइड मतलब रंगना, हम उनको अलग अलग कलर में रंग सकते हैं। इट इज अ हीट इंसुलेटर एज इट कैन ट्रैप लार्ज अमाउंट ऑफ एयर। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में भी कि वुलन क्लोथ पहनने से हमें सर्दी क्यों नहीं लगती, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो है हीट इंसुलेटर है, ये क्या करता है, इंसुलेटर मतलब जो हीट को अलाउ नहीं करता पास होने के लिए। तो जब भी हम स्वेटर्स पहन लेते हैं वुलन क्लोथ के अंदर इतनी हवा ये ट्रैप करके रखता है, हवा जो होता है वो भी इंसुलेटर होता है, तो अंदर की गर्मी है हमारी बॉडी की वो बाहर जाएगी ही नहीं, तो ये हमारी बॉडी को क्या करता है, गर्म रखता है। इट कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और ये जो वुलन क्लोथ्स होते हैं ये बहुत ज्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, स्टूडेंट्स हम किस तरह से पालन पोषण करते हैं भेड़ों का, और किस तरह से हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम लोगों को किस तरह से जो है उनसे ये वूलन लेना है, वूल लेना है। तो हम सिलेक्टिविटी ध्यान रखते हैं कि जो अच्छी क्वालिटी की भेड़ें होती हैं, अच्छे जिनकी फ्लीस अच्छे हैं उनको हम लेते हैं, गुड ब्रीड यानी किसी को कोई इन्फेक्शन ना हो रखा हो, कोई बीमारी ना हो रखी हो, बहुत ही साफ सुथरे, अच्छा खाना मतलब ढंग की चीजें खाने वाली शीप, यानी हर्बीवोरी होती है लेकिन इधर उधर ना भटकने वाली, ज्यादा अच्छे से रहने वाली शीप को हम चूज करते हैं। क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, बिल्कुल अगर एकदम मरी मरी भेड़ है, एकदम उसको बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, अब उसका पता नहीं फ्लीस कैसा होगा, किसी की ह्यूमन बॉडी पे कोई रिएक्शन हो गया तो कोई बीमारी आ गई, तो न्यूट्रिशन देखा जाता है, क्लाइमेट देखा जाता है कि वो किस तरह की क्लाइमेट में वो रही हुई है, उसको अच्छी केयर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो ये सारा रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप में आ जाता है। शिप्स आर हर्बीवोर, वो कहीं पे भी इधर से उधर घूमती रहती हैं इसीलिए, और इसी चक्कर में वो घास खाने के लिए कहीं पे भी अंदर चली जाती हैं, तो वहाँ पे आसपास में अगर कुछ ऑयली गंदगी स्टेन वगैरह लगे होंगे तो वो सब भी उसकी बॉडी पे चिपक जाएंगे, तो उसी को हम क्या करते हैं फिर क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्लीनलीनेस का भी ध्यान देखना होता है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे एक माइंड मैप बना दिया है, ये जो माइंड मैप है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम पर्पस से, और आपको इजीली फटाक से अभी ये याद हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग फ्लीस से पूरा का पूरा वुलन क्लोथ मतलब वुलन फाइबर जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है शियरिंग ऑफ फ्लीस, यानी फ्लीस को निकालना। भेड़ जो होती है, जैसे हम लोग शेव करते हैं या बाल काटने वाले बार्बर होते हैं जैसे वो ट्रीमर से बाल काटते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से जो है भेड़ों के ऊपर से जो है ये मशीन जो होते हैं उससे इनकी फ्लीस हटा दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा कि ये जो फ्लीस होते हैं कब उतारे जाते हैं, तो स्टूडेंट्स ये समर सीजन में उतारे जाते हैं। समर में इसीलिए क्योंकि समर सीजन में भेड़ों को उतनी ज्यादा ठंड की चिंता नहीं होती है, और फ्लीस जब उतार दिया जाता है तो भी उनकी बॉडी जो है वो आराम से सर्वाइव कर सकती है, और इससे उनको कोई पेन नहीं होता, उनकी स्किन को कोई डैमेज भी नहीं होता है, बाल जो है वो फिर से आ जाते हैं। तो ये समर सीजन में होता है, बार-बार जैसे हमारे बाल ट्रिम करता है वैसे इसको किया जाता है। इसके बाद अब हमने फ्लीस उतार लिया, वूल तक हम कैसे पहुंच रहे हैं, तो फ्लीस उतारने के बाद स्टूडेंट हमें उसके अंदर की गंदगी, जो स्विंट था, फिर ये जो यॉक था, ये जो परस्पिरेशन के कारण ये जो भी हुआ, तो ये हम स्कोरिंग मेथड से, स्कोरिंग मतलब धोना, हम अच्छे से डिटर्जेंट साबुन से इनको धो के अच्छे से सुखा देंगे, ड्राई भी कर देंगे, और फिर हम इनको दूसरे यूनिट पे भेज देंगे, दूसरी कंपनी में भेज देंगे, जहां पे क्या हो जाएगा इनका सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, छांटना। ठीक है, अलग अलग कलर के, अलग अलग टेक्सचर के, कोई सॉफ्ट है तो सॉफ्ट, कोई हार्ड है तो हार्ड, कोई ब्राउन कलर का है, कोई ब्लैक कलर का है, तो अलग अलग कलर वाइज इनको क्या कर लिया जाएगा, अलग अलग कर लिया जाएगा। फिर आएगा स्टूडेंट्स डाई, डाई मतलब रंगना। अब जिस तरह के कलर में हमको वूलन वूल्स बनाना है उसमें हम इसको लगा देंगे, इसको कलर लगा देंगे। इसके बाद आएगा कार्डिंग। कार्डिंग जो होता है वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, अब इन वूल्स को जो है लंबे लंबे हम लोग फाइबर्स बनाने की उसमें लग जाते हैं, कोशिश में लग जाते हैं। कार्डिंग से क्या होता है स्टूडेंट्स, वेब भी बन जाता है। वेब मतलब पूरा का पूरा एक गुच्छा आप समझ लो, लंबे लंबे फाइबर्स का, वायर्स का। फिर बाद में ये वेब से सीधा क्या बन जाएगा, यार्न। यार्न मतलब धागे, और धागे के बनते ही क्या हो जाएगा, हमारा वूल जो है वो तैयार हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स
वूल के यूजेस क्या होते हैं। तो हम शॉल पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, ब्लैंकेट्स बनाने के काम आती है, कारपेट्स बनाने के काम आती है। तो ऐसे बहुत सारे काम जो है हमारा वूल वूल मटेरियल काम आता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शिप, देयर हैबिटेशन एंड क्वालिटी ऑफ वूल। डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शिप यानी अलग अलग प्रकार की जो शिप्स होती हैं वो कहाँ रहती हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ वूल। तो यहाँ पे आपको सब दे रखी हैं, अलग अलग प्रकार की शिप्स दे रखी हैं। भाकरवाल ब्रीड की शिप हो गई, रामपुर बशीर हो गई, नली शिप हो गई, लोही, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी। तो ये अलग अलग प्रकार की जो शिप्स हैं, फिर ये कहाँ पे रहती हैं, इनको कहाँ पे रियर्ड यानी इनका पालन पोषण कहाँ पे होता है और इनकी बॉडी पे किस तरह के वूल हमें मिलते हैं इनकी बॉडी से। तो भाकरवाल जो होती है ये जम्मू एंड कश्मीर में इसका रियरिंग होता है और इसका वूल जो होता है वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का वूल होता है। और ये जो होता है इसका जो वूल होता है वो हमें शॉल्स बनाने के लिए यूज़ होता है। फिर है हमारा रामपुर बशीर। रामपुर बशीर जो है वो उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। इनका ब्राउन कलर का वूल होता है और ये ब्लैंकेट्स बनाने के काम आता है। नाली जो होती है ये राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा में पाई जाती हैं और इनका जो वूल होता है वो कारपेट बनाने के लिए यूज़ होता है। फिर है लोही। लोही जो होती है राजस्थान एंड पंजाब में पाई जाती है। काफ़ी गुड क्वालिटी का इनका वूल होता है और ये वुलन फैब्रिक्स यानी वूल के कपड़े बनाने के लिए काम आता है। फिर है मारवाड़ी। मारवाड़ी गुजरात में पाई जाती है और कोर्स वूल जो होता है, मतलब एकदम तगड़ा वाला मोटा सा जो वूल होता है वो पाया जाता है और उससे हम ब्लैंकेट बनाते हैं। फिर है पाटनवाड़ी। पाटनवाड़ी जो है वो गुजरात में पाई जाती है, गुड क्वालिटी होती है और फॉर हौजियरी। हौजियरी मतलब इससे मोज़े बनाए जाते हैं और काफ़ी हमारे पजामे और ये बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो टेबल है, इस तरह ये टेबल आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। कोई भी दो तरह की शिप हैं, कहाँ रेयर हो की जाती हैं, उसके बाद में किस तरह की क्वालिटी ऑफ वूल पाया जाता है, तो ये आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकता है।